रायसेन जिले की सिलवानी तहसील मुख्यालय स्थित बेगम नदी के निर्माणाधीन पुल का डायवर्जन पुल पहली ही बरसात में बह गया। बारिश ने पुल निर्माण की पोल खोलकर रख दी। पुल बहने से सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी लाइन लग गई। प्रशासन कोई ठोस कदम उठाने के बजाय मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहा है। सिलवानी बड़े पुल पर जहां निर्माण कार्य चल रहा है, विगत एक माह से बारिश नहीं होने के बावजूद भी पुल निर्माण कंपनी के द्वारा पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया। यही वजह है कि अधूरे पुल निर्माण की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। जहां पूरी बरसात में पहली बार बेगम नदी अपने उफान पर आई और चारों तरफ पानी ही पानी की वजह से पुल के आसपास के घरों में भी पानी भर गया, जिसके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा। वहीं लोगों को इस पुल की वजह से पानी रुक जाने के कारण अच्छी खासी परेशानी हो रही है। वहीं यदि नदी का बहाव और भी तेज होता है तो पुल के बगल का डाइवर्ट रास्ता भी बह सकता है, जिसके बाद सिलवानी से मुख्य मार्ग गोपाल सागर का आवागमन पूर्ण बाधित हो जाएगा। ये यहाँ पुल निर्माण का कार्य चल रहा है, इस कारण से जो है डाइवर्सन जो बनाया गया था उसके ऊपर से पानी आ गया है, इसलिए आवागमन रुक गया है और निचली बस्तियों में भी पानी जा रहा है। तो इनको पुल वालों को हमने बोला है कि इसकी व्यवस्था करें जिससे पानी निकल जाए, निचली बस्तियों में पानी भी ना जाए और ऊपर का जो रोड है उसको रिपेयर करके चालू कराने का प्रयास किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? सतीश तिवारी, राहतगढ़ से आया हूँ। एक डेढ़ घंटे से यहाँ फंसे हैं हम लोग और लापरवाही देखनी चाहिए पुल वालों की, जो कच्चा डायवर्सन बना के छोड़ दिया बरसात में, तो बहुत से लोग प्रभावित हैं इससे और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नदी के किनारे जो मकान बने हुए हैं पूरे मकानों में पानी भर चुका है, करीब करीब कमर कमर पानी भरा हुआ है। हम लोगों के पूरे नुकसान हो चुका है, हमारे मकानों के बर्तन वगैरह सब नदी में जा चुके हैं, अनाज मनाज भींग चुका है। अब अधिकारी वगैरह से नहीं कहा आपने ये हम लोगों को नुकसान? अभी एसडीएम साहब के पास में गए थे, उन्होंने कहा कि देखते हैं इस पार्ट पे आके देखेंगे, अभी तक उनका पता नहीं है। और यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है आज आप आकर स्वयं देख लीजिए।